फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया का डिज़ाइन लाई हूँ, जिस आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट में, बेबी जैकेट में, या लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ जैकेट, या मफलर में। तो आप लोग पहले चेन से स्टार्ट कीजिएगा, जो चीज़ बनाना हो पहले आप लोग चेन डालिएगा। तो मैं इसमें 20 चेन डालकर आप लोगों को डिज़ाइन सिखा रही हूँ। तो इसमें आपको 20 चेन के बाद हर एक चेन से डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से हर एक चेन से आपको डबल क्रोशिया पहली लाइन बनाकर आपको कंप्लीट करना है। आप चाहें तो दो लाइन भी बनाकर एक बॉर्डर तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग उसमें डिजाइन बना सकते हैं। तो पहले मैं डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो डबल क्रोशिया छोड़कर इसमें आपको इस तरह ऊल खींचना है क्रोशिया से। तो ये 4-ply ऊल है, तो इसलिए इसमें मैं 3 बार ऊल खींचूँगी। अगर आप लोग 2-ply या 3-ply में बनाइएगा तो 4-5 बार ऊल खींच कर फिर इसको सिंपल क्रोशिया से इस तरह बंद कीजिएगा, फिर एक चेन और फिर इसी सेम जगह पर आपको इस तरह से 3 बार ऊल खींचना है और फिर इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करना है, फिर एक चेन बनाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर आपको 3 बार ऊल खींचना है, फिर इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करना है, फिर एक चेन और फिर इसी सेम जगह पे आपको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको बंद करना है। तो इसी तरह से आपको पहली लाइन बनाकर कंप्लीट करना है, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इसी तरह से पहली लाइन आप लोग बनाइएगा। तो फिर यहाँ लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, फिर आपको एक चेन डालना है और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर आपको साइड में इस तरह से 1, 2, 3 बार ऊल खींच कर सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है, फिर एक चेन और फिर इसी सेम जगह पे आपको 3 बार ऊल खींचना है, फिर इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो पहली लाइन इसी तरह से देखिए बनकर कंप्लीट होगा। फिर आगे आपको इसी में पफ के बीच से आपको फिर पफ बनाने हैं, 3 बार ऊल खींचना है, फिर एक चेन, इसी सेम जगह पे 3 बार हम ऊल खींचेंगे, फिर पफ बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर ये दूसरे पफ के बीच में हमको फिर डिजाइन बनाना है, 3 बार ऊल खींचेंगे, फिर एक चेन, फिर इसको जॉइंट करेंगे और इसी तरह से हम इसके हर एक पफ के बीच में आपको फिर डिजाइन बनाते जाना है और इसी डिजाइन को आप आगे ऊपर रिपीट करते हुए अपना ये डिजाइन पूरा कीजिएगा और किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डालकर क्रोशिया के डिज़ाइन में डालकर इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझने में कहीं दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन अच्छा लगा तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।